मानव को मानव हो प्यारा, एक दूजे का बने सहारा। इसी मानव सेवार्थ सोच के साथ आज संत निरंकारी मिशन द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। मार्बल सिटी किशनगढ़ में संत निरंकारी मिशन ब्रांच किशनगढ़ के तत्वाधान में राजकीय यज्ञान अस्पताल में रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ। विधायक सुरेश टाक ने रक्तदान का महत्व बताते हुए रक्तदान शिविर में शिरकत की। उन्होंने रक्तदाताओं को प्रशस्ति पत्र व मोमेंटो देकर हौसला अफजाई की। मिशन के सेवादारों द्वारा मानवता के लिए जो सेवा की जा रही है, उस सेवा भाव को देखते हुए सभी सेवादारों को बधाई व सेवा की प्रशंसा भी की। शिविर में महेश सोनी ने अभी तक 7 बार रक्तदान कर सेवा की। वहीं परिवार की बहू निर्मला सोनी ने भी रक्तदान किया। शिविर में बड़ी संख्या में रक्तदाता पहुंचे। बता दें, थावला सहित आसपास के क्षेत्रों से भी संत निरंकारी मिशन से जुड़े लोग रक्तदान करने के लिए मार्बल सिटी किशनगढ़ के राजकीय वाहिन अस्पताल पहुंचे। रक्तदान शिविर में राजकीय वाहिन अस्पताल के चिकित्सकों ने पूरा सहयोग किया। करीब 46 यूनिट रक्तदान किया गया। इस माह का ये तीसरा रक्तदान है। बता दें, संत निरंकारी मिशन अजमेर के जोनल इंचार्ज महात्मा धमन दास निरंकारी भी इस दौरान उपस्थित रहे। बहन शिका अहिलियानी ब्रांच किशनगढ़ की मुखी महात्मा भी उपस्थित रहे। सिंधी समाज के सचिव गिरधर अमरवानी, पुरुषोत्तम मूलानी, विष्णु मेघानी सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। धमन दास निरंकारी ने बताया कि पूरे भारत में मानव एकता दिवस के उपलक्ष पर रक्तदान शिविर लगाया जाता है। बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने कहा कि रक्त नालियों में नहीं, नाड़ियों में बहे। मुझे ऐसे ही सभी को रक्तदान करना चाहिए।